एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले इनके नेता खुद के घर में बेटी पैदा हो तो उसको पालने तक के लिए ये तैयार नहीं है, जिसकी चर्चा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है, इज्जत के साथ लिया जाता है। और जो उनका योगदान रहा है इंडियन रिपब्लिक के लिए, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरी लफ्जों में लिखा रहेगा। उन्होंने जो संविधान दिया है वो दुनिया का बेहतरीन संविधान है, लेकिन बीजेपी के दौर में जिस तरीके से उनका जो नाम पे स्मारक बनाए गए थे उनको मिटाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू में भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर जो चौक का नाम रखा गया था उसका नाम बदलने की ये कोशिश की जा रही है, अखबारों में भी आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो चुने हुए इनके नुमाइंदे हैं वो भी इस संदर्भ में उन्होंने प्रपोजल लिख दिया हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस किस्म की कोई भी बात की गई तो पैंथर्स पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी भारतीय जनता पार्टी की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो एक महान शख्सियत रहे और उनका नाम जो है हमेशा अमर रहेगा। जिस चौक का नाम बदलने के यहां बातें की जा रही हैं वो कभी भी यहां के लोग गवारा नहीं करेंगे। और एक चेतावनी हम देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि इससे बाज आए। इसी तरीके से रामनगर में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को के खिलाफ अपशब्द बोले गए हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा, और जिसका विरोध रामनगर में चल रहा है उधमपुर में चल रहा है, वहां दलित समाज को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा के लोगों ने बार बार दलित समाज के लोगों को गालियां दी, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार वहां किया। जो दलित महिलाएं थी, जो चुने हुई नुमाइंदा थी उनकी, जो सरपंच थी, जो बीडीसी की चेयरपर्सन थी, उनको भी गंदी गंदी गालियां दी गई, जात के नाम पर उनके खिलाफ भद्दे कमेंट्स किए गए, लेकिन उन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से भी रामनगर के अंदर एक रोष चल रहा है। और अभी जो दलित समाज से संबंध रखने वाले ऑफिसर हैं उनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी एक साजिश कर रही है, उनको वहां से निकालने के लिए उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। पैंथर्स पार्टी चेतावनी देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीब लोगों के साथ, दलित समाज के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ कोई भी जाति हरगिज हरगिज कबूल नहीं होगी। और जिस तरीके से दलित समाज को वहां जो है वो परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी हम कड़ी मुजम्मत करते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जिन्होंने अपशब्द बोले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से चौक का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बदलने की कोशिश कर रही है, वो सरासर गलत है और असहनीय है। उसे हम बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार।